हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं सरोज और मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेके आई हूं आप सबके लिए वाटरमेलन जूस। तो चलिए बनाते हैं इसे। सबसे पहले हम यहां पे वाटरमेलन को कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इसका ये ग्रीन वाला पार्ट जो है हम निकाल लेंगे, सिर्फ हम रेड वाला पार्ट ही यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसे पहले काट लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में। इस तरह से हम वाटरमेलन को काट लेंगे ग्रीन पार्ट हटा के, और इसका हम बीज हाथ से ही निकाल लेंगे। छोटे छोटे पीसेस काटने पे आसानी से बीज निकल जाते हैं। तो इस तरह से हमने निकाल लिया है। अगर आप बीज के साथ पीसेंगे तो उसे छानना पड़ेगा। तो चलिए हम एक जार में डाल लेते हैं इसे जूस को बनाने के लिए। तो हमने जार में डाल लिया है, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी, क्योंकि ये जूस थोड़ा मीठा अच्छा लगता है, तो इसको थोड़ा मीठापन बढ़ाने के लिए डाले हैं। अगर आपको पसंद नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं इसे। तो चलिए हम इस जूस को बना लेते हैं। तो ये देख लीजिए, हमने जूस को अच्छे से पीस लिया है। अब इसे हम सर्व करेंगे। सबसे पहले हम गिलास में इसे डाल लेते हैं सर्व करने के लिए। अब इसे थोड़ा सा चिल्ड करने के लिए हम डालेंगे इसमें 2 आइस क्यूब, क्योंकि जूस थोड़ा ठंडा अच्छा लगता है, तो इसमें हम 2 आइस क्यूब डाल देंगे ताकि ठंडा हो जाइए। इसे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे, और थोड़ा सा हम इसमें काला नमक भी डालेंगे, और इसे हम इस तरह से मिला लेंगे ताकि नीचे तक जाइए, नहीं तो ये ऊपर ही रह जाएगा। तो हम इसमें थोड़ा सा भी काला नमक भी डालने वाले हैं, इससे और टेस्ट बढ़ जाता है इसका। तो आप इसे बिल्कुल स्किप ना करें काला नमक को, और इसमें आइस क्यूब डाल के इसे ठंडा कर लीजिए और इसे सर्व करिए। ये सभी को जूस बहुत पसंद आता है, तो आप इस गर्मी ज़रूर इसे ट्राई करें। और बहुत ही इसमें विटामिन्स भी रहता है, आपको तो पता ही है वाटरमेलन कितना फ़ायदेमंद है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें इस गर्मी में। और कैसा लगा हमारा ये रेसिपी हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।